हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शो मिस्टेक। दोस्तों, मैंने आपको तो .NUSM जो रैंसमवेयर है उसके बारे में अपडेट किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में अभी भी वो रैंसमवेयर घुसता चला जा रहा है। उन लोगों का जो डेटा है उसको एकदम तहस नहस कर दे रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डेटा आप लोगों का ख़राब हो रहा है, इसको रिकवर करना बिल्कुल नामुमकिन के जैसा ही है। और आज 27 तारीख से एक नया जो एक्सटेंशन है इन लोगों ने डालना शुरू कर दिया है, वो है .EHIZ। ये वाला एक्सटेंशन नया चालू हुआ है आज से। उन लोगों ने उनका जो एक्सटेंशन है उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा जो ऑनलाइन है वहाँ पे ढूंढा जा रहा है, बहुत सारे जगह में ब्लॉग तो तैयार हो रहा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद इन लोगों ने इन लोगों का जो एक्सटेंशन है उसको चेंज कर दिया है, और शायद इन लोगों का जो फाइल है उसमें भी चेंज किया होगा, और जो इंस्क्रिप्शन की है उसको भी इन लोगों ने शायद इसके साथ चेंज किया होगा, जिससे कि नया करके इन लोगों को सर्च करना पड़े। तो ये .EHIZ जो वायरस आप लोगों के कंप्यूटर में जाएगा अभी, ये सेम कैटेगरी का है और ये सेम फाइल आपका इंस्क्रिप्ट कर देगा। अब मेरे पास एक ब्लॉग आया है, जिस ब्लॉग में मुझे कुछ मिला है जिससे कि आप ये वायरस को रिमूव कर सकते हो, लेकिन इस वायरस को रिमूव करने के बाद भी आपका फाइल जो है वो डिस्क्रिप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इंस्क्रिप्शन की दिया हुआ है जिसको सिर्फ और सिर्फ जो हैकर है वो लोग ही डिस्क्रिप्ट कर सकता है। नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन टूल है वो डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकता है। बहुत सारे एंटीवायरस कंपनी भी इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो अभी डाल लीजिए, कोई भी इंटरनेट सिक्योरिटी आप डाल लीजिए। मान लो कैस्परस्काई का इंटरनेट सिक्योरिटी फ्री है, वो डाल लो। उसके बाद जब ट्रायल पीरियड एक्सपायर होगा तब देखा जाएगा कि आप उसको रिन्यू करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन अभी अपना जो फाइल वगैरह है उसको बचाने के लिए जल्दी से जो इंटरनेट सिक्योरिटी है उसको डाल लो, क्योंकि ये देखा जा रहा है ये अपना एक्सटेंशन चेंज करता जा रहा है। मैं अपने जो चैनल है वहाँ पे इसका अपडेट देता रहूँगा। आप अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कि जो ब्लॉग है उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, जो ब्लॉग है उसमें मेलवेयर बाइट बोल के एक EHIZ रैंसमवेयर को रिमूव करने के लिए टूल दिया हुआ है। आप उस टूल को यूज़ कर सकते हो इसको रिमूव करने के लिए, और सेफ मोड में जाके भी इसको रिमूव करने का कुछ सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो ब्लॉग है इसका पूरा पेज का लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। लेकिन अभी आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके पीसी पे ये घुस गया है तो पहले आपको अपना इंटरनेट का कनेक्शन ऑफ करना पड़ेगा। जब तक इंटरनेट, अगर आप देखो कि आपका एक दो फाइल वायरस इफेक्टेड हुआ है, तो जल्दी से अपना इंटरनेट का कनेक्शन ऑफ कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें दो की यूज़ किया जा रहा है। जो इंस्क्रिप्शन की है उसमें एक ऑफलाइन की और एक ऑनलाइन की यूज़ किया जा रहा है। जो ऑफलाइन की है वो सारा सेम की है, और जो ऑनलाइन की है जिससे आप लोगों का जो ये ऑनलाइन की मतलब जो पासवर्ड इसमें दिया जा रहा है, मतलब एक कोड, वो कोड ऑफलाइन में सेम है, और जो ऑनलाइन की इसमें यूज़ किया जा रहा है वो तरह तरह के है। तो आपको हर एक फाइल को डिस्क्रिप्ट करने के लिए अलग अलग तरह की का ज़रूरत होगा। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका एक या दो फाइल इंस्क्रिप्ट हो गया है, जल्दी से अपना इंटरनेट का कनेक्शन बंद कर दो। तो वो सेम कैटेगरी, आपका फाइल तो ख़राब होगा लेकिन वो सेम कैटेगरी से होगा, जिससे क्या होगा, एक दो फाइल अगर आपका खुल जाता है तो बाकी फाइल भी खुल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन की से जब भी आपका जो फाइल है वो इंस्क्रिप्ट हो जाएगा तो आपका कोई भी फाइल नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों के पीसी में अभी ये रैंसमवेयर घुस गया है वो ये मेलवेयर बाइट को यूज़ कर सकते हो। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप थोड़ा देख लीजिएगा कैसे इसको यूज़ करना है। तो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन .NUSM जिन लोगों के कंप्यूटर में घुसा है वो लोग भी थोड़ा ट्राई कर लो, शायद इससे हो जाए। मेरे जो कंप्यूटर था उसमें .NUSM घुसा था, .EHIZ मेरे कंप्यूटर में नहीं आया था, तो मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया, और .NUSM के ऊपर भी टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने अपना पीसी को फॉर्मेट कर दिया, तो मेरे पास अभी वो वायरस फ़िलहाल नहीं है। दोस्तों, जो ब्लॉग के बारे में मैं बता रहा हूँ या जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे लिंक में दूंगा, वो टेस्टेड नहीं है। मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है, मैंने उसको सिर्फ देखा है। देखने के बाद लगा कि शायद आपका हेल्प हो सकता है, इसीलिए आपको दिया। लेकिन इसके बाद अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाउनलोड कर लो, और अगर आपको कुछ डाउनलोड अभी नहीं करना है तो अपने पीसी को जल्दी से नेट कनेक्शन से ऑफ कर दो, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए वीडियो के साथ।